नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइन में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कैबिनेट मंत्री और उनका प्रभार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो तीस मई को जो है शपथ ग्रहण कर चुके थे अब जो है सभी मंत्री को अपना अपना पद दे दिया गया चलिए देखते हैं कौन कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया है चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो है मंत्री है गृह मंत्री तो गृह मंत्री का भार किसे दिया गया है अमित शाह को याद रखिएगा इसे अगला है फ्रेंड्स रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री का भार किसे दिया गया है राजनाथ सिंह को याद रखिएगा अगला है फ्रेंड्स वित्त मंत्री वित्त मंत्री का भार किसको दिया गया है निर्मला सीतारामन को अगला है फ्रेंड्स विदेश मंत्री विदेश मंत्री किसको दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर को याद रखिएगा सुब्रमण्यम जयशंकर को पहले विदेश मंत्री कौन था सुषमा स्वराज थी ठीक है अगला फ्रेंड्स रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री ये कौन है नितिन गडकरी जी को दिया गया है याद रखिएगा रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी है अगला है फ्रेंड्स केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा याद रखिएगा इसे कंज्यूमर अफेयर कौन है रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर कौन है रामविलास पासवान अगला है फ्रेंड्स कृषि मंत्री अगला कौन है कृषि मंत्री कौन है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉ जस्टिस टेलीकॉम मंत्री ये कौन है रविशंकर प्रसाद याद रखेगा फूड प्रोसेसिंग मंत्री कौन है हरसिमरत हर कौर बादल इसे भी याद रखेगा अगला है फ्रेंड्स सामाजिक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री यह है फ्रेंड्स थावरचंद गहलोत इसे भी याद रखेगा मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको कवर किया है ठीक है चलिए अगला है फ्रेंड्स मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पूछा जाएगा मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है तो रमेश पोखरियाल है याद रखिएगा रह ट्राइबल अफेयर्स कौन है अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स अगला है विकास महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है तो स्मृति ईरानी है इसे याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय मंत्री अगला है फ्रेंड्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन याद रखिएगा इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अर्थ साइंस कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन अगला देखिए फ्रेंड्स अगला है पर्यावरण वन मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है तो प्रकाश जावेडकर है इसे याद रखिएगा ये पूछा जाएगा पर्यावरण वन मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है तो प्रकाश जावेडकर अगला रेल और वाणिज्य मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल रेल और वाणिज्य मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल चलिए अगला है फ्रेंड्स अगला है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस स्टील मंत्रालय कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान है इसे भी याद रखिएगा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय कौन है वो है धर्मेंद्र प्रधान अगला है फ्रेंड्स अल्पसंस अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन है तो मुख्तार अब्बास नकवी इसे भी याद रखिएगा अगला है फ्रेंड्स संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खान मंत्री कौन है तो प्रहलाद जोशी है इसे भी याद रखिएगा चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं अगला है अगला है कौशल विकास मंत्री कौशल विकास मंत्री कौन है तो महेंद्र नाथ पांडे है भारी उद्योग और पब्लिक इंटरप्राइजेज कौन है तो अरविंद सावंत है इसे भी याद रखेगा अगला है फ्रेंड्स अगला है एनिमल हस्बेंड्री डेयरी और फिशरीज ये कौन है फ्रेंड्स गिरिराज सिंह और अंतिम है फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय यह है गजेंद्र सिंह शेखावत इसे याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया जल शक्ति मंत्रालय का भार ठीक है तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट दो हजार उन्नीस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने आप लोगों को कवर कराया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करें साथ में वीडियो को लाइक कर लें अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को ले लीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का जो है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और हेल्पफुल वीडियो बनाते रहता हूँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत